You're a superhero. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं मुजफ्फर इकबाल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस जेड टेक्निकल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस तरह का एटीट्यूड स्टेटस कैसे क्रिएट किया जाता है। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह का एटीट्यूड स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलें गाइस, कैन मास्टर को ओपन कर लेते हैं और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहां से अपनी वीडियो की रेशियो को सिलेक्ट करना है तो 16:9 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 16:9 के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से एक बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस, करना क्या है, इसको रोटेट करना है तो इस रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद गाइस, इसको यहाँ से रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से एक PNG इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, कार PNG इमेज को। और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस, करना क्या है, इसकी ड्यूरेशन कुछ इस तरह से बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस, करना क्या है, इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, जूम आउट करेंगे कुछ इस तरह से। जूम आउट करने के बाद गाइस, इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और उसके बाद की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे 2 सेकेंड तक। और उसके बाद गाइस, इस इमेज को भी कुछ इस तरह से जूम इन कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस, इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद गाइस, इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस, फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से एक PNG इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद गाइस, इसको कुछ इस तरह से जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद गाइस, इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद गाइस, इसकी ड्यूरेशन बैकग्राउंड के बराबर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस, करना क्या है, की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, इस वीडियो को 2 सेकंड तक मूव करेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस, इस इमेज को भी कुछ इस तरह से जूम इन कर लेंगे। जूम इन करने के बाद गाइस, इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस, इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस, फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से एक PNG इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस, इसको कुछ इस तरह से जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद गाइस, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस, की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे। और उसके बाद गाइस, इस इमेज को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद गाइस, इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस, फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से एक और टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस, इसको ब्लेंडिंग करना है तो ब्लेंडिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद गाइस, यहाँ से स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, इसका वॉल्यूम ऑफ करना है तो इस वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद गाइस, इसका यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कर लेंगे। और उसके बाद गाइस, करना क्या है, इसको कुछ इस तरह से मूव करेंगे। और उसके बाद गाइस, इसको जूम आउट कर लेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जूम आउट कर लेंगे। और उसके बाद गाइस, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद गाइस, इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस, फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ से PNG इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो।
और उसके बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद गाइस इसको सेंड टू बैक करना है तो थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस सेंड टू बैक के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस की के आइकन पर क्लिक करेंगे। की के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, और उसके बाद गाइस इस इमेज को भी कुछ इस तरह से जूम इन कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस फेस लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइस इसको ब्लेंडिंग करना है तो ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहाँ से स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इसका भी वॉल्यूम ऑफ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से एक पीएनजी इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद गाइस इसकी भी ड्यूरेशन कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे, और उसके बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, और उसके बाद गाइस की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस इमेज को कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इस वीडियो को और मूव करेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इस इमेज को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। और उसके बाद गाइस इसमें सॉन्ग ऐड करना है तो इस ऑडियो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहाँ से कोई सा भी आप सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो, तो मैं गाइस यहाँ से ये वाला सॉन्ग ऐड कर लूँगा, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। तो उसके बाद गाइस फिर से लेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद मीडिया के आइकन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से एक और टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से जूम इन कर लेंगे। जूम इन करने के बाद गाइस इसको ब्लेंडिंग करना है तो ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइस यहाँ से स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं हमारा वीडियो किस तरह से क्रिएट हुआ है। तो गाइज हमारा वीडियो कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है, तो उसके बाद गाइज इसको एक्सपोर्ट करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद गाइज यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।